दोस्तों, दरभंगा भारत के बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में दरभंगा जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। दरभंगा बागमती नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत जिला है। यह जिले एवं प्रमंडल का मुख्यालय भी है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत तीन जिले दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर आते हैं। दरभंगा के उत्तर में मधुबनी, दक्षिण में समस्तीपुर, पूर्व में सहरसा एवं पश्चिम में मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी जिला है। दरभंगा जिले में कुल तीन अनुमंडल है, दरभंगा सदर, बेरोल, बेनीपुर और 18 ब्लॉक है। दरभंगा, बहादुरपुर, हयाघाट, हनुमान नगर, बहेरी, केवटी, सिंगवारा, जाले, मनीगाछी, तारादी, बेनीपुर, अली नगर, बिरोल, घनश्यामपुर, कीरतपुर, गोराबोरम, कुशेश्वर स्थान। दरभंगा जिला का कुल क्षेत्रफल 2289 स्क्वायर किलोमीटर है। 2011 के जनगणना के अनुसार दरभंगा जिला की जनसंख्या करीब 39,21,971 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 20,59,949 है और यहां महिलाओं की संख्या 18,77,436 है। यहां हिंदुओं की आबादी करीब 77.28% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 22.39% है तथा अन्य 1% है और यहाँ का साक्षरता दर लगभग 56.56% है और यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी, उर्दू इत्यादि है। दरभंगा को अपनी समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक महत्व के कारण बिहार राज्य की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। यह भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। संगीत, लोक कला और संस्कृत और मैथिली में साहित्यिक की परंपराएं दरभंगा में पीढ़ियों से चली आ रही है और शहर की मजबूत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का गठन करती है। दरभंगा उत्तरी बिहार मिथिला में सबसे बड़ा चिकित्सा और शैक्षिक केंद्र भी है। इसे मिथिलांचल का दिल भी कहा जाता है। दरभंगा जिला का इतिहास। दरभंगा शहर के बहुविध एवं आधुनिक स्वरूप का विकास 16वीं सदी में मुगल व्यापारियों तथा ओइनवार शासकों द्वारा विकसित किया गया। दरभंगा 16वीं सदी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी था। अपनी प्राचीन संस्कृति और बौद्धिक परंपरा के लिए यह शहर प्रचलित रहा है। इसके अलावा यह जिला आम और मखाना उत्पादन के लिए भी पूरे देश भर में काफ़ी लोकप्रिय है। दरभंगा जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे दरभंगा राज परिसर एवं किला, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय एवं चंद्रधारी संग्रहालय, अहल्या स्थान एवं गौतम स्थान, श्यामा मंदिर, नवादा दुर्गा मंदिर, हजरत मखदूम भिखासा सैलानी का दरगाह, मस्जिद एवं मखदूम बाबा की मजार, होली रोजरी चर्च, कुशेश्वर स्थान, शिव मंदिर एवं पक्षी विहार, मनोरा, छपरार, देवकुली धाम, नेवारी, राम जानकी रामेश्वर नाथ महादेव मंदिर इत्यादि है। दरभंगा जिले के प्रमुख शिक्षण संस्थान जो दरभंगा जिले को आगे बढ़ाने में काफ़ी अग्रसर है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी,
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CM साइंस कॉलेज, कुंवर सिंह कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, मिलट कॉलेज इत्यादि है। दोस्तों अब बात आती है दरभंगा कैसे पहुँचे। दरभंगा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है। दोस्तों यहाँ एक घरेलू हवाई अड्डा भी है जो लगभग 4 किलोमीटर की दूर पर है। दूसरा निकटतम हवाई अड्डा लगभग 150 किलोमीटर दूर पटना में है। रेल और सड़क मार्ग के माध्यम से भी यह शहर अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।